अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि लोग आसानी से आपके साथ जुड़ें और ऐसा जुड़ें कि वो लोग आपके दीवाने हो जाएं और लोग आपके आदि बन जाएं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आप दोस्तों के लिए है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से पहले एक सवाल है कि किसी भी अजनबी पर जब हमारी नज़र पड़ती है तो सबसे पहले जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है तो वो क्या चीज़ है? सामने वाले शख्स का ओवरऑल लुक। जी हाँ, ओवरऑल लुक जो हमारी तवज्जो का मरकज बनता है, क्योंकि अगर आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हो तो सबसे पहला काम जो आप दोस्तों को करना है वो ये कि आप दोस्तों को अपनी खुद की लुक पर पहले काम करना होगा। इसलिए आज की हमारी वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहला हिस्सा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और अट्रैक्ट करने के लिए किन किन चीजों पर काम करना होगा, और दूसरे हिस्से में हम आपको वो तरीके बताएंगे जिनसे लोग हमेशा के लिए आपसे कनेक्ट रहेंगे, और कनेक्शन भी ऐसा बनेगा जो हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा। लेकिन कनेक्शन बनाने से पहले दूसरों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करनी पड़ेगी। तो फिर देर किए बिना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जैसे ही लोगों की नजर आप पर पड़े तो लोग आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगें, तो दोस्तों आपको अपनी लुक पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो ये कि आप दोस्तों को पहले खुद की फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर बनाना होगा। ये बात आप लोगों को समझनी होगी कि हमेशा खूबसूरत चेहरे ही लोगों को नहीं भाते। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग सेंस, ये सब चीजें काउंट होती हैं। इसलिए फिजिकल अपीयरेंस पर आपको काम करना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहले आपका पोस्चर है। ढीले ढाले और स्लाउच पोस्चर किसी को भी अच्छे नहीं लगते। हमेशा कंधे खुले, सीना चौड़ा और कमर सीधी होनी चाहिए, जिससे आप दोस्तों की एक ठाट बनेगी। इस मकसद के लिए अगर तो आप दोस्तों को जिम ज्वाइन करनी पड़े तो जरूर करें और रेगुलर अपने पोस्चर पर वर्कआउट करें, ताकि जब भी आप चलें या कोई भी ड्रेस आप कैरी करें तो वो ड्रेस आप पर जच जाए। दोस्तों, हमेशा अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करें। अच्छे कपड़ों से मेरा हरगिज ये मकसद नहीं कि आप ब्रांडेड और महंगे कपड़े लें। कोई से भी कपड़े अपने बजट के लिहाज से खरीदें, पर वो कपड़े एक मैचिंग सेंस रखें। ये ना हो कि पैंट के साथ कोई और सा कलर और कपड़े भी अच्छी तरह से प्रेस किए हुए हों, ताकि कोई भी सिलवट बाकी ना रहे। अपने हाइजीन का ख्याल रखें ताकि आप साफ सुथरे नजर आएं। इसके बाद अगर तो आप मर्द हैं तो प्रॉपर अपने बालों की कटिंग करवाते रहें, और ऐसे कटिंग जो आपके चेहरे पर बेस्ट हो, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने ज्यादा हेयर स्टाइल आ गए हैं कि जो हर चेहरे पर नहीं सजते। इसलिए सिर्फ वो हेयर स्टाइल अपनाएं जो आपको सूट करे। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हो गई हैं कुछ बातें आपके फिजिकल अपीयरेंस की, जिससे लोग आपकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि कैसे लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे। गिव फ्रीडम। दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में एक आजाद इंसान पैदा हुआ है। लोग जैसे हैं इन्हें वैसे ही रहने दें। इन्हें कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इंसान की नेचर में है कि वो सख्त से सख्त काम भी अपनी नेचर के मुताबिक करना चाहे और खुश दिली से करे तो वो आसानी से कर लेता है। तो जब वही काम उससे फोर्स से करवाया जाए तो ये चीज इंसान की आजादी में एक रुकावट बनती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े रहें तो कभी भी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश न करें। अपनी किसी बात को प्यार से समझा दें और अगले इंसान को चॉइस दें कि अब ये इस पर है कि अगर तो वो ये बात मानेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसमें उसी की बेहतरी है, और अगर नहीं भी मानेगा तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो इस तरह चॉइस देने से आप लोगों को फ्रीडम देते हो और इन्हें किसी किस्म की कोई फोर्स फील नहीं होती। डोंट इरिटेट। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। बेपरवाह होना अगले इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आप कुछ ना कुछ सामने वाले इंसान के लिए कोई कंसर्न रखो, जिससे उन्हें रियलाइज हो कि वाकई ही उनकी जिंदगी में आपकी कोई अहमियत है। हाँ दोस्तों, ये बात भी जरूर याद रखनी है कि कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि वो हद से ज्यादा चिपकू हो जाते हैं। अपनी बातों में बस ये जताए जाना, मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझसे बात करो, तुम मेरा ये, तुम मेरा वो, ऐसे रवैये भी हद से ज्यादा बेजार करने वाले होते हैं। अगर कोई कंसर्न शो करवानी है तो वो अपने कामों से शो करवाओ। लोगों को एक स्पेस दो, उनके साथ कुछ डिस्टेंस बनाओ, ताकि उन्हें आपकी अहमियत का कुछ रियलाइज हो। जताने के बजाय अपने एक्शन से जाहिर करो। तो दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो एक बैलेंस में रहकर ही अपनी परवाह जाहिर करें। ना तो इतने बेपरवाह हो जाएं कि अगले इंसान को पूछे भी ना, और ना ही इतने चिपकू बन जाएं कि वो आपसे चिढ़ने लग जाए। तनकीद ना करें। हद से ज्यादा तनकीद निकालने वाले, नुक्ताचीनी निकालने वाले लोगों से लोग ता जाते हैं।
लोगों के काम अगर पसंद नहीं आते तो उन्हें तनकीद करने के बजाय पॉजिटिव लफ्जों में बता दें। नुक्स निकालने वाले, कीड़े निकालने वाले और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने वाले लोगों को कोई भी लोग पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो हर वक्त की तनकीद की बजाय वो जैसे हैं उन्हें उनके हाल में एक्सेप्ट करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने से इंसान को हद से ज्यादा अच्छा महसूस होता है और एक जेन्युइन अप्रिशिएट करना है। ये ना हो कि आप मक्खन लगाने वाले बन जाओ। अगले इंसान की हिम्मत बनाएं, उनकी हौसला अफजाई करें। ये चीज अगले इंसान को हद से ज्यादा अच्छा महसूस करवाती है, फिर इस चीज से उन्हें आपसे अपनायत महसूस होगी। स्माइल। दोस्तों याद रखो, लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो जिंदा दिल लोग होते हैं। जिंदा दिल से मकसद ये है कि हर वक्त चेहरे पर बारह ना बजाए रखें। अगर कोई जाती परेशानी है भी तो चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखें। हंसते हुए चेहरे ही हर एक को पसंद आते हैं। लोगों की हजारों खुद की परेशानियां होती हैं। लोगों के अंदर हजारों किस्म की सुनामियां चल रही होती हैं। एक दो बार तो वो हमदर्दी में आपके दुख सुख सुन भी लेंगे, पर अगर यही चीज रोज का मामूल बन गया तो लोगों को खुद ब खुद उकताहट होने लग जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी किस्म की टेंशन का सामना है भी तो कोशिश करें कि हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरे ही लोगों को पसंद आते हैं। मुस्कुराने से मुराद ये नहीं कि अब आप कह के ही लगाना शुरू कर दो, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखनी है। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरू में जिंदा दिल लफ्ज इस्तेमाल किया था। केयर। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े रहें तो उसके लिए आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी। केयर भी लफ्जों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से करनी होगी। केयर करने से अगले इंसान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है। अगर अगले इंसान को कोई मुश्किल पेश आए तो आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो। अगर वो बीमार हो जाए तो उस वक्त उनकी केयर करना इंसान के दिल में एक गहरा असर रखता है और ये बात हमेशा के लिए याद रहती है। इसलिए बीमारी में ख्याल रखना आपका एक मजबूत कनेक्शन बनाएगा। और अगर कभी किसी को किसी काम में कोई मुश्किल पेश आए तो आप उनके लिए कोई ना कोई फैसिलिटी फ्राहम कर दें। वैल्यू। लफ्जों, चीजों, इन सब से बढ़कर आपकी एक वैल्यू है। खुद का एक नाम पैदा करें और अपने साथ एक अपना टैग लगवाएं जिसमें आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है जो आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। बेकार इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता। काम करने वाले इंसानों से ही लोग जुड़ना पसंद करते हैं। जब आपका एक स्टेटस होगा तो अगर आपके अंदर किसी किस्म की कोई कमी भी होगी तो वो स्टेटस उन सब चीजों पर भारी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर किसी से कनेक्शन बनाना है तो हमारी आज की इस वीडियो के सब पॉइंट्स पर आपको अमल करना होगा, तभी आपका एक स्ट्रॉन्ग और परमानेंट कनेक्शन बिल्ट अप होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।